नमस्कार, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आप साथ मोनिका ठाकुर और शुरुआत करने वाले हैं बड़ी खबरों के साथ। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की तीसरी बैठक खत्म हो गई है। नीति आयोग की इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यू इंडिया के विजन को कामयाब बनाने के लिए सभी राज्यों से सहयोग मांगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सभी राज्यों की मदद से ही न्यू इंडिया का विजन कामयाब हो पाएगा। इस बीच जीएसटी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जीएसटी एक राष्ट्र, एक आकांक्षा और एक दृढ़ संकल्प की भावना को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बीच एक साथ चुनाव पर बोलते हुए कहा कि एक साथ चुनाव पर चर्चा जारी रहनी चाहिए। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर भी नीति आयोग की बैठक में जोर दिया। तो आपको बता दें कि नीति आयोग की तीसरी बैठक खत्म हो गई है और न्यू इंडिया के विजन पर यहां पर जोर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये कहा गया है कि न्यू इंडिया के विजन को पूरा करने के लिए राज्य सरकारों को सहयोग देना होगा। इस बीच जीएसटी को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य सरकारों से सहयोग मांगा है। साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर भी नीति आयोग की बैठक में जोर दिखा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों, उपमुख्यमंत्रियों और केंद्रीय मंत्रियों को संबोधित करेंगे। इस दौरान 13 राज्यों के सीएम और 5 डिप्टी सीएम भी मौजूद रहेंगे। इस बीच आपको बता दें कि बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भी शिरकत करेंगे और बैठक में केंद्र सरकार के अच्छे फैसलों को जनता तक पहुंचाने पर फोकस रहेगा। तो आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी शासित राज्यों के सीएम, मुख्यमंत्रियों, उपमुख्यमंत्रियों को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के फैसलों को किस तरह से जन जन तक पहुंचाना है, इस पर फोकस रहेगा, जोर रहेगा और अमित शाह भी यहां पर मौजूद रहने वाले हैं। एमजीयू में हुए दीक्षांत समारोह में हरियाणा के राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी ने शिरकत की है। सोलंकी ने दौरान आपातकाल के वक्त को याद किया और आपातकाल को लोकतंत्र के लिए खतरनाक बताया। हरियाणा के राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी ने रोहतक के महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में दीक्षांत समारोह में शिरकत करते हुए आपातकाल को याद किया। राज्यपाल ने यहां डिग्री हासिल करने वाले छात्रों से अपील की कि देश में कभी आपातकाल जैसी स्थिति न आने दें। देश में 1975 में आपातकाल आया, लोकतंत्र खतरे में डाल दिया था, स्वतंत्रता छीन ली थी, जिनने कोई अपराध नहीं किया था वो जेल में थे। मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ कि जिस स्थिति में 1976-1977 में देश था, आप सब लोग इस स्थिति में देश को कभी नहीं आने देंगे, कभी नहीं आने देंगे। वहीं केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के चेयरमैन जस्टिस प्रमोद कोहली ने भी छात्रों को डिग्री मिलने की बधाई देते हुए अपने छात्र जीवन को याद किया। I am reminded of my days of as a student of Jammu Law University, a newly established university. It was operating from a makeshift premises. There were no regular classrooms. The university was not equipped with the books. Even the books for the students were not available in Jammu, and we used to purchase books from either Chandigarh or from Delhi. राज्यपाल सोलंकी ने छात्रों को किताबी सफलता के आगे जीवन की सफलता के भी टिप्स दिए। यहां आए छात्रों ने भी राज्यपाल समेत अलग अलग वक्ताओं की बातों को ध्यान से सुना और उन पर अमल करने की बात कही। राज टाकिया, जी मीडिया, रोहतक। खबरों में आगे बढ़ते हैं। 27 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शिमला दौरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शिमला दौरे को लेकर हिमाचल बीजेपी खासी उत्साहित नजर आ रही है। बीजेपी नेता मोदी के शिमला दौरे को कामयाब बनाने में जुट गए हैं। 27 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश के एक दिवसीय दौरे पर आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिमला में परिवर्तन रैली में शिरकत करेंगे।
जो बड़हट्टी एयरपोर्ट में उड़ान योजना के तहत सस्ती हवाई सेवा लॉन्च करने के बाद वो रिज मैदान पर पार्टी रैली को संबोधित करेंगे। एक नए सुधारवादी नेता के रूप में जिनकी छवि उभरी है, ऐसे आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार शिमला पधार रहे हैं। हिमाचल के लिए गौरव की बात है और हिमाचल से सस्ती फ्लाइट करके एक योजना का शिमला हवाई अड्डे से शुरुआत करने वाले हैं। पीएमओ से रैली का शेड्यूल तय होते ही शिमला में स्वच्छता अभियान ने भी एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां कई घोषणाएं भी कर सकते हैं। जहां भी देश भर में माननीय नरेंद्र भाई मोदी जाते हैं, एक सप्ताह तक वहां पर इलाके में स्वच्छता अभियान पार्टी के कार्यकर्ता और समाज के लोग करते हैं और ये सच में अपने आप में प्रेरणादायी है। चुनावी साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस रैली को सियासी हलके में काफी अहम माना जा रहा है, जिसे लेकर सियासी प्रतिक्रियाओं का दौर भी तेज हो गया है। विशाल द्विवेदी, जी मीडिया, शिमला। कुरुक्षेत्र में सरेआम फायरिंग हुई है। सरेआम हुई इस फायरिंग का वीडियो सामने आया। कुरुक्षेत्र के दराखेड़ा में भूमि विवाद को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हो गया। पहले एक पक्ष ने दूसरे पर हमला किया और फिर दूसरे पक्ष ने सरेआम गोलियां चलाई। शेख चहिली मकबरे के पास हुई वारदात का मोबाइल वीडियो भी सामने आया है, जिसमें साफ दिख रहा है कि भीड़ कैसे हमलावर हो रही है और लगातार फायरिंग की जा रही है। गुंडे लाके तो सुना है, और क्या कर रखा था? किस लिए हमला कर रहा है? क्या किसी लिए? कांध कट गई थी अपनी अपनी जगह का। अच्छा जी, अपनी जगह पे कब्जा करे हुआ था, बस ये अपना हमला कर दिया एकदम ही। क्या गोलियां चलाई उन्होंने? गोली चलाई बहुत ज्यादा गोलियां। जनानियां के ऊपर हमला कर, हमने रोक के गोलियां फटाफट चला दी, गोलियां इंटा बरसा दी, गोलियां चला दी। बथेरा मैंने कहा भाई हमारे आदमी कोई घर में नहीं होता तो घर में कम से कम हमारे आदमी बराबरी कर दे, कोई भी नहीं था हमारा बच्चा। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने मौकाए वारदात का मुआयना किया, जिसके बाद करीब 70 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि जिस जमीन पर विवाद है, दोनों ही पक्षों में से किसी के पास उसके कागजात नहीं हैं। सुखबीर सिंह सनोफ करतार सिंह जाति रोड है, उसकी जमीन है, और दूसरी तरफ ओम प्रकाश सनोफ रामेश्वर दास सैनी है, इसकी जमीन है। जमीनी विवाद पे आपस में इनका झगड़ा हुआ, इस पर जो सुखबीर सिंह पार्टी की व्यक्ति ने बताया इन्होंने उन्होंने उनके ऊपर फायरिंग की है। फायरिंग में किसी को गोली लगने की कोई अभी सूचना नहीं है, बाकी तफ्तीश जारी है, कार्रवाई पुलिस की जारी है। इसमें अभी FIR जो दर्ज की है उसमें 10-11 बाई नेम दिए हैं और 60-70 कंप्लेनेंट ने अन्य लोगों को लिखा है कि भी 60-70 अन्य लोग वहाँ पर थे। पुलिस मोबाइल वीडियो की जांच कर कुछ और सुराग तलाशने की कोशिश कर रही है, लेकिन जमीन विवाद में सरेआम हुई इस वारदात ने कुरुक्षेत्र पुलिस की कानून व्यवस्था पर भी कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। राकेश रोहिला, जी मीडिया, कुरुक्षेत्र। जींद में एक झोपड़ी में आग लग गई। आग की चपेट में आने से 3 बच्चों की मौत हो गई और 2 बच्चे गंभीर रूप से झुलस गए। जींद में रविवार को एक दर्दनाक घटना घटी। भिवानी रोड पर बने एक झोपड़ी में भयंकर आग लगने से यहां सो रहे 3 मासूम बच्चों की झुलसने से मौत हो गई, जबकि 2 अन्य बच्चे और उनकी मां गंभीर रूप से जख्मी हुई। यह हादसा कोई लगभग 12:30 करीब है, जो रात को आग लगने के कारण चूल्हे में से 3 बच्चे की डेथ हो गई है, उसकी मम्मी भी काफी जली हुई है। चूल्हे की वजह से जा सकती है जी, और तो कुछ है ही नहीं ना। तो हालांकि आग कैसे लगी इसका खुलासा तो नहीं हो पाया, लेकिन सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके का जायजा लिया। पुलिस का कहना है कि आग की वजह शॉर्ट सर्किट हो सकती है। खाना पीना करके सोए थे, जो रात को 1 बजे करीब झोंपड़ी में आग लग गई थी, जिससे 3 बच्चों की मौत हो गई और 2 झुलस गए। सानू की पत्नी है, PGI रेफर कर दी, एक बच्ची हॉस्पिटल में है, मामले की जाँच की जाए। हालांकि घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, इसके बाद इन्हें बेहतर इलाज के लिए PGI रोहतक रेफर कर दिया गया। गरीब तबके का ये परिवार UP के शिकारपुर का रहने वाला है। चीन से राजकुमार गोयल, जी मीडिया। फरीदाबाद में फेसबुक अकाउंट को हैक करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने इस गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया।
आप फेसबुक और व्हाट्सएप पर आने वाले अनचाहे लिंक्स पर क्लिक करते हैं तो जरा सावधान हो जाइए, क्योंकि आपके एक क्लिक से आपकी आईडी हैक हो सकती है और आप ठगी के शिकार हो सकते हैं। फरीदाबाद साइबर सेल ने ऐसी ही एक ठगी का खुलासा करते हुए दो युवकों को हिरासत में लिया है। एक का हैक हो गया, फिर अगले का हैक हो गया, ये चेन बन गई है और करीब 10 दिन में हमारे सामने ऐसे 4 मामले आ गए थे। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए हमने इस पर त्वरित कार्रवाई करी और 19 अप्रैल को इन लोगों को मुकदमा दर्ज करके दो लोगों को गिरफ्तार किया जो नोएडा उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। आरोपी पहले किसी की फेसबुक पर लिंक भेजते और फिर जैसे ही यूजर इसे खोलता ये ठग उसका पासवर्ड हैक कर लेते थे। इसके बाद ये फेसबुक आईडी का इस्तेमाल कर मुसीबत में फंसे होने का मैसेज भेजकर आईडी में मौजूद दोस्तों से पैसे की मांग करते थे। मुझे इस लिंक पे क्लिक करेंगे उनका आईडी पासवर्ड मेरे जो मेरा साइट है उस पे आ जाएगा और फिर हम आप मतलब वो आईडी लॉगिन करके उसका पासवर्ड चेंज करके फिर आपका मतलब अमाउंट लाइक करके उस आपके फ्रेंडों से कह के मुझे पेटीएम। अच्छा, कब से ये काम कर रहे हैं आप? अब तक कितनी ठगी कर चुके हैं इस तरह से? ये युवक पिछले 1.5 साल में करीब 50 लोगों की फेसबुक आईडी हैक करके उन्हें ठगी का शिकार बना चुके हैं। पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। विनोद मित्तल, जी मीडिया, फरीदाबाद। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में इस साल 14 फरवरी को आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए हरियाणा के नारनौल के मेजर सतीश दहिया का परिवार हरियाणा सरकार से नाराज है। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में इसी साल 14 फरवरी को आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए हरियाणा के नारनौल के मेजर सतीश दहिया का परिवार हरियाणा सरकार से नाराज है। शहीद की पत्नी का कहना है कि न तो उन्हें अब तक नौकरी मिली और न ही सरकार द्वारा की गई अन्य घोषणाएं ही पूरी हुई हैं। मुझे सिर्फ ये है कि जो उन्होंने गांव में आके घोषणाएं की थी कि कॉलेज का नाम चेंज होगा, वैमशाला बनेंगी, उनके रोड के नाम, वो एक छोटे छोटे काम तो वो ही नहीं किया, तो जॉब का तो बहुत वो है, वो तो बात का है। हरियाणा गवर्नमेंट से ये कहना चाहूँगी कि प्लीज डिले नहीं करना चाहिए ऐसे कामों में। ये देश के लिए, एक जवान के लिए, मतलब कि अपना देश के लिए जो गया है उसके लिए इतना डिले नहीं, देश को अच्छा संदेश नहीं है बिल्कुल। वहीं बुजुर्ग माँ बाप भी सरकार के रवैये से हैरान परेशान हैं। अपने वीर सपूत की आखिरी बातों को याद करते हुए ये सरकार से जल्द उनकी मदद की अपील कर रहे हैं। हमारा बेटा भी हमेशा मोदी जी की बड़ी तारीफ करता था और पक्का चेला था, ये ऐसा प्रधानमंत्री इस देश को ना कभी मिला है ना मिलेगा, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि किसकी वजह से लेट से चल रहा है। हमारी सरकारी मशीनरी नहीं कर रही है, सरकार की तरफ से तो कोई इस तरह की ढील है इस समस्या का। एक दिन बोला था मैंने सिर्फ कि बेटा पीछे थोड़े हट के गाय बाहर रहा कर, तो उसने कहा नहीं माँ, गाय मत बना, आपने मुझे शेर बनाया, शेर की तरह होगा, जो होगा देखो जाएगा। मैं ठीक है बेटा, अब ये सरकार क्या कर रही है, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये इनका काम है, सब कामों में लेट हो रही है। मेजर सतीश दहिया की शहादत के बाद फरवरी में ही खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने परिवार से मिलकर शहीद की पत्नी को सरकारी नौकरी समेत 5 बड़ी मदद का ऐलान किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, रेवाड़ी। अगर आप पंचकुला में रहते हैं और आवारा कुत्तों के आतंक से बेहद परेशान हैं तो ये खबर आपको राहत पहुंचाने वाली है। पंचकुला प्रशासन इस समस्या का समाधान करने के लिए सख्त कदम उठाते हुए कुत्तों के शिकार के लिए क्विक रिएक्शन टीम का गठन किया है। पंचकुला के लोग इन दिनों आवारा कुत्तों के आतंक से परेशान हैं। कुछ ही दिनों में कुत्तों ने करीब 80 लोगों पर हमला किया है, लेकिन अब सरकार की सख्ती के बाद प्रशासन जाग गया है और क्विक रिएक्शन टीम बनाकर कुत्ते के शिकार लोगों की मदद की जा रही है। इसके लिए हम प्रॉपर डॉग पॉन्ड बनाए, उसके लिए प्रॉपर जगह बनाए ताकि जहां पर के वो रह सके, और स्टरलाइजेशन तो एक स्लो प्रोसेस है। क्विक रिएक्शन टीम बनाई गई है, ये आदेश ही होते हैं, धरातल पर कुछ होता नहीं है हमारी कॉर्पोरेशन तो खासतौर पर। इसके अलावा आवारा कुत्तों की नसबंदी भी करवाई जा रही है, साथ ही इस काम में लापरवाही बरते जाने पर सख्ती का भरोसा दिया जा रहा है। स्टरलाइजेशन का इफेक्ट आपको अगर प्रॉपर हुई
और मेरी तो यही है कि हम अच्छी तरह से अब स्टरलाइजेशन को वॉच करें और तो आने वाले 2 सालों में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हमारा कुत्ते नगर निगम वाले ने कहा कुछ रोकथाम करनी चाहिए, बाकी नगर निगम वाले ने इनको पकड़ा भी था लेकिन वो पकड़ते ही नहीं, नगर निगम वाले इनको नसबंदी करके छोड़ देते हैं। नगर निगम पंचकुला में करीब 10,000 आवारा कुत्ते हैं जिनके आतंक से कई लोग रोजाना परेशान होते हैं, लेकिन अब प्रशासन की सख्ती के बाद लोग राहत की सांस लेते नजर आ रहे हैं। कुलबीर दीवान, जी मीडिया, चंडीगढ़। केंद्र सरकार के फैसले के बाद हरियाणा सरकार लाल बत्ती मुक्त हो चुकी है, लेकिन पंचकुला प्रशासन के कई अधिकारी अभी भी लाल बत्ती वाली गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल ने इस पर सवाल उठाया तो अधिकारियों ने फौरन अपनी गाड़ियों से लाल बत्ती उतार दी। केंद्र सरकार की देश भर में लाल और नीली बत्तियों पर रोक का फैसला आधिकारिक तौर पर 1 मई से लागू होगा। हरियाणा के नेताओं ने तो अभी से ही इसका मुंह त्याग दिया है, लेकिन हरियाणा के प्रशासनिक अधिकारी शायद 1 मई से पहले तक लाल नीली बत्तियों का मुंह छोड़ने को तैयार नहीं है। केंद्र सरकार ने भले ही लाल और नीली बत्ती हटाने का फैसला ले लिया है, जिसके बाद बहुत सारे प्रदेशों की सरकार के मुख्यमंत्री तक की लाल बत्तियां जो है वो उतर गई हैं। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा सरकार भी तकरीबन बत्ती रहित हो गई है, यानी कि मुख्यमंत्री से लेकर तमाम मंत्रियों की गाड़ियों की बत्तियाँ जो हैं वो उतर गई हैं। लेकिन बत्ती का प्रेम देखिए, अभी बहुत सारे ऑफिसर ऐसे हैं, बहुत सारे अधिकारी ऐसे हैं जिनकी गाड़ियों पर अभी भी बत्तियां लगी हुई हैं। बगल की बात करें तो ये डीसी की गाड़ी है, डीसी पंचकुला, इनकी गाड़ी पर आप लाल बत्ती अभी देख सकते हैं। अधिकारियों की गाड़ियों पर लगी बत्तियों की तस्वीरें जब कैमरे में कैद हुई तो पहले तो बड़े साहबों ने कुछ बोलने से इनकार किया, लेकिन जल्द ही अपनी वाहनों से बत्तियां उतरवाने लगे। पंचकुला प्रशासन के अधिकारियों की गाड़ियों पर लगी लाल बत्तियों का जायजा लिया था और ये डीसी की गाड़ी है जिस पर लाल बत्ती अभी तक लगी हुई थी, और जैसे ही हमने ये शूट करके इन अधिकारियों से बात की तो उसके बाद ये नींद जो है वो टूटी और आप अभी देख सकते हैं कि जो बत्ती है रेड लाइट है वो उतार ली गई है। यदि सिटी मैजिस्ट्रेट की गाड़ी की बात करें तो आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि सिटी मैजिस्ट्रेट की गाड़ी की बत्ती भी उतर चुकी है। हमने इन दोनों अधिकारियों से जानना चाहा था कि अभी तक लाल बत्ती का प्रेम उनका गया नहीं है, लेकिन जैसे ही हम बात करके बाहर निकलते हैं तो इन गाड़ियों की बत्तियां जो है गुल हो गई हैं, यानी उतार ली गई हैं। हालांकि इसी कार्यक्रम में कुछ अधिकारी बत्ती लगे वाहनों में पहुंचे तो वहीं हरियाणा के कई सीनियर अधिकारी और मंत्री बिना बत्ती लगे वाहनों में ही पहुंचे। कुलवीर दीवान, सी मीडिया, चंडीगढ़। हिमाचल प्रदेश में बाइक ऑन रेंट स्कीम की शुरुआत होने वाली है। परिवहन मंत्री जीएस बाली के मुताबिक इस स्कीम का फायदा प्रदेश के 200 से ज्यादा बाइक ऑपरेटर से जुड़े करीब 3,000 लोगों को मिलेगा। हिमाचल प्रदेश में बाइक ऑन रेंट स्कीम की शुरुआत होने वाली है। परिवहन मंत्री जीएस बाली के मुताबिक इस स्कीम का फायदा प्रदेश के 200 से ज्यादा बाइक ऑपरेटर से जुड़े करीब 3,000 लोगों को मिलेगा। परिवहन मंत्री ने कहा है कि योजना जल्द ही शुरू होगी। फिर हमने स्टडी कराई इसकी, जब कंप्लीट हमारी सेटिस्फेक्शन होगी तो मैंने कई चीजों में ओवररूल भी किया। अब फाइनली हमने ये स्कीम लॉन्च कर दी है, मैंने साइन कर दी है। मैं एक सबसे महत्वपूर्ण फीचर ये है कि हिमाचली बोनाफाइड। वहीं जीएस बाली ने बाइक ऑपरेटर से अपील की है कि इस योजना के तहत किसी सैलानी को कोई दिक्कत ना हो, इस बात का विशेष ख्याल रखा जाए, जिस पर बाइक ऑपरेटर्स ने भी हामी भरते हुए खुशी जताई है। हमारी बाइकर स्टेशन में 35 बाइकर वाले जो हैं, और बाली साहब ने हमें बोला कि आपकी जो है बाइक जो है पिल वेट लगेगी, टैक्सी नंबर डल जाएंगे। 2014 से हमने पेपर वर्क करना शुरू किया तो आज हो गया ये। तो कितने लोगों को फायदा मिला इसमें? लगभग हमारे 58 मेंबर है तो उसमें लगभग 2,000 के आसपास लोग इसमें जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि बाइक ऑन रेंट स्कीम गोवा, उत्तराखंड, सिक्किम, जम्मू कश्मीर और राजस्थान जैसे राज्यों में पहले से ही चल रही है, जहां ये काफी सफल भी रही है। अब हिमाचल प्रदेश सरकार भी इस स्कीम को वादियों में आजमाना चाहती है। संदीप सिंह, जी मीडिया, मनाली।
और अब बात करते हैं मौसम की। हिमाचल में मौसम का मिजाज बदल गया है। हिमाचल की गर्मी में ठंडक का एहसास करवाने वाली तस्वीरें आप भी देखिए। दूर तक फैली बर्फ की ये चादर देखिए, ऊंचे पहाड़ों पर जमी सफेद बर्फ का ये मंजर देखिए। यकीनन ये तस्वीरें सुकून देने वाली हैं, दिल को छू जाने वाली हैं। ऐसे आलम में जब पूरा उत्तर भारत गर्मी से बेहाल है, वहीं हिमाचल प्रदेश से आई बर्फबारी की ये ताजा तस्वीरें वाकई गर्मी में ठंडक का एहसास करा रही है। हिमाचल के ऊंचाई वाले इलाके में ताजा बर्फबारी हुई है। लाहौल स्पीति में बर्फबारी के बाद ऊंचे इलाकों में बर्फ की सफेद चादर बिछ चुकी है, तो वहीं रोहतांग पास में भी जमकर बर्फ गिरी है। सड़कें बर्फ से ढक चुकी हैं। मनाली से लेह की तरफ जा रही सड़क से तेजी से बर्फ हटाई जा रही है। इस काम में सीमा सड़क संगठन 222 किलोमीटर लंबी सड़क को सफर लायक बनाने में जोर शोर से जुटा हुआ है। पूरे रास्ते पर लगातार मशीनों के जरिए बर्फ हटाने का काम जारी है। जल्द ही यह रास्ता आम लोगों और सैलानियों के लिए खुल जाएगा। मौसम विभाग के मुताबिक वादियों के ऊंचे पहाड़ों पर अभी कुछ और बर्फबारी के आसार हैं, तो निचले इलाकों में बारिश के साथ ओले पड़ने की भी उम्मीद है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात करते हैं दो टूक की। दो टूक में आज आमने सामने हैं पंजाब सरकार में कैबिनेट मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता दलजीत सिंह चीमा, और मुद्दा है ज्ञानी गुरमुख सिंह की तरफ से श्री अकाल तख्त के फैसलों को लेकर अकाली दल पर लगाए गए आरोपों का। ये सारा ही सिस्टम बादल साहब नू संभालता सी। बादल साहब ने ते सुखबीर ने कट्ठे होके एक प्लैंड वे दे नाल ये लड़ाई पवाई है। लड़ाई पवा के फिर इन्हां दीआं वोटां लईआं, ते उस तो बाद हुण उन्हां नू कढ़न दा भी जिहड़ा सिस्टम है सारा बादल परिवार ने तैयार कीता है। इस करके जिहड़ा जथेदार साहब कह रहे है उहदे विच कोई अथकथ नहीं या झूठ नहीं होएगा। मैं इस गल दा गवाह है। ये लोग जिहड़े है ये वोटां दे नाल हर गल नू तोलदे है। राजनीति दे विच धर्म नू उलझा के धर्म दा ये नुकसान कर रहे है सिख कौम दा। ये लोगों को इस काम तो पिछे हटा देना चाहिए। ना तो कभी श्रोमणी अकाली दल की लीडरशिप ने कभी भी तख्त संबंध के काम के कभी दखलअंदाजी की है। साढ़े वास्ते तख्त जोड़े है वह सब तो सुप्रीम है। बाकी इस अलावा कोई होर जी है किसी भी दसदार साहबान की गल के उत्ते जी है वह टिप्पणी करनी वाजिब नहीं, क्योंकि सारे जथेदार साहबान जोड़े है वह सत्कार हुए। और वक्त आज के सवाल का है। हमारा आज का सवाल है, पंजाब में ओवर कॉन्फिडेंस और गलतियों की वजह से आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव हार गई, क्या आप विधायक अमन अरोड़ा के बयान से सहमत हैं? ये इसके लिए आपको टाइप करना है ZPHH स्पेस Y, दूसरे लिए आपको टाइप करना है ZPHH स्पेस N, और SMS के जरिए आपको जवाब भेजना है 57575 पर। इस सवाल का जवाब आप शाम 7 बजे डायरेक्ट विदिनेश में देख सकते हैं।